हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, देखिए अभी करंट में ही दो दिन पहले हमारे देश में 5 राफेल फाइटर जेट प्लेन्स आए हैं जो हमारे ब्रेव पायलट्स लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है अभी न्यूज में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स हैं और जो हमारे ब्रेव इंडियन पायलट्स हैं उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको कवर करूंगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर की जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी आने वाली हर एक वीडियो को आसानीपूर्वक देख पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले है, जो राफेल फाइटर जेट्स प्लेन्स इंडिया ने खरीदे हैं वो कौन से कंट्री से खरीदे हैं? आंसर होगा फ्रांस से खरीदे हैं ये। नेक्स्ट है, जो फ्रांस ने अभी करंट में इंडिया को कितने प्लेन्स दिए हैं? आंसर होगा 10 प्लेन्स। अभी करंट में जो दो दिन पहले ही जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स हमारे पायलट्स इंडिया में उड़ान भरकर लेकर आए हैं वो कितने लेकर आए हैं अभी? आंसर होगा 5 प्लेन्स। देखिए, जो 10 प्लेन्स दिए हैं उनमें से 5 इंडिया में आ चुके हैं। पूछा गया है, जो राफेल प्लेन्स आए हैं उन्होंने फ्रांस से इंडिया में कितने जो लंबा है सफ़र तय किया? आंसर होगा 7000 किलोमीटर। जो राफेल प्लेन्स हैं वो जो किस डेट को और कहां पर आए हैं? आंसर होगा ये आए हैं अम्बाला एयरबेस पर और ये आए हैं 29 जुलाई 2020 को। पूछा गया है, जो राफेल प्लेन्स हैं उन्होंने बीच में रेस्ट करने के लिए कौन से एयरबेस पर वो लैंड किए? आंसर होगा अल धापरा एयरबेस, ये यूएई का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का, और इन्होंने 7 घंटे सफ़र के बाद ये वहाँ पर लैंड किए। जो राफेल प्लेन्स हैं वो जो इंडियन एयरफोर्स के कौन से स्क्वाड्रॉन का पार्ट होंगे? आंसर होगा 17th स्क्वाड्रॉन, जिसका नाम है गोल्डन एरो। इंडिया ने जो टोटल कितने प्लेन्स के लिए जो डील साइन की है फ्रांस के साथ? आंसर होगा टोटल 36 प्लेन्स, 36 प्लेन इन्होंने ऑर्डर किए हैं इंडिया ने। जो टोटल 36 प्लेन्स हैं वो इंडिया में कब तक पहुंचेंगे, किस डेट तक पहुंचेंगे? आंसर होगा 2021 के एंड तक। जो इंडिया के करंट एम्बेसडर हैं फ्रांस में, इंडियन राजदूत हैं वहाँ, भारतीय राजदूत, उनका क्या नाम है? आंसर होगा जावेद अशरफ। पूछा गया है, जो इंडियन एयरफोर्स के साथ में कितने फ्रांस से जो एक्सपर्ट है वो अपॉइंट किए गए हैं इंडिया में? आंसर होगा 3 फ्रेंच एक्सपर्ट्स। पूछा गया है, जो टोटल कितने पायलट्स हैं इंडिया के जिन्होंने जो कि अक्टूबर 2019 से फ्रांस के एक जो एयरबेस है वहाँ का, बोर्दो मोरिनेक एयरबेस, वहाँ पर ट्रेनिंग ले चुके हैं? आंसर होगा 7 इंडियन पायलट्स ये वहाँ पर ट्रेनिंग ले चुके हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, टोटल कितने इंडियन पायलट्स को फ्रांस में ट्रेनिंग दी जाएगी? आंसर होगा 15 इंडियन पायलट्स, जिनमें से 7 पहले ही ले चुके हैं। कौन सी कंपनी है जो कि जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स है उनकी मेंटेनेंस के लिए इंडिया में एक यूनिट प्रिपेयर कर रही है? आंसर होगा डेसो, जो कि फ्रेंच की कंपनी है। अप्रैल 2018 में जो टुर्गिस गेलार्ड नाम की जो स्पेयर पार्ट्स बनाने की कंपनी है, जो प्लेन के स्पेयर पार्ट्स बनाती है, उसने जो एक यूनिट इंडिया में कहाँ पर स्थापित की? आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र में। जो राफेल प्लेन्स हैं उनमें जो फ्यूल भरने से रिलेटेड एक स्पेशल फीचर है वो क्या है? आंसर होगा जो फ्यूल है वो हवा में ही भरा जा सकता है इनमें। जो सफ़र के दौरान जो 5 राफेल फाइटर जेट प्लेन्स हैं उनमें फ्यूल भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आंसर होगा ये फ्रांस आर्मी, जो फ्रांस की सेना है उसकी थी ये। कितने इंडियन पायलट्स हैं जो इन 5 राफेल फाइटर जेट प्लेन्स को इंडिया में लेकर आए हैं? आंसर होगा 6 इंडियन पायलट्स,
क्योंकि जो एक प्लेन था इनमें वो 2 सीटर था, ट्रेनर टाइप था वो, उसमें 2 पायलट बैठे थे। कितने साल के बाद जो अंबाला एयरबेस है वहाँ पर कोई नया फाइटर जेट प्लेन आया है? आंसर होगा आफ्टर 41 ईयर्स 2 डेज। जो सेकंड बेस है राफेल फाइटर जेट प्लेन्स के लिए वो कहाँ पर है इंडिया में? आंसर होगा हासीमारू वेस्ट बंगाल। देखिए पहला तो अंबाला में है, यहाँ पर 5 फाइटर जेट प्लेन्स आ चुके हैं। जो सेकंड होगा वो होगा हासीमारू वेस्ट बंगाल में, और ये जो हमारा चाइना के साथ पूरा बॉर्डर है उसको ये कवर करेगा। पूछा गया जो जेट प्लेन्स अंबाला में जो 41 ईयर्स पहले यहाँ से इन जो राफेल से पहले थे वो कौन से आए थे? आंसर होगा जगुआर जेट प्लेन, ये अंबाला में 41 साल पहले आए थे, उसके बाद अभी करंट में राफेल आए हैं। किस डेट को जो जगुआर प्लेन्स अंबाला एयरबेस पर पहुँचे थे? आंसर होगा 27 जुलाई 1979 को, और ये ब्रिटेन से अंबाला आने में इनको 1 वीक का समय लगा था और बीच में 5 स्टॉप्स थे। जो जगुआर जेट प्लेन्स आए थे इंडिया में उनको कौन लेकर आए थे, कौन पायलट थे? आंसर होगा विंग कमांडर डीआर ननकर्नी जी। जो राफेल प्लेन्स है वो कितनी हाइट से जो दुश्मन है उस पर अटैक करने के कैपेबल होते हैं? आंसर होगा फ्रॉम 55,000 की हाइट से। पूछा गया है 1 मिनट में राफेल फाइटर जेट प्लेन से कितने बॉम्ब्स फायर किए जा सकते हैं? आंसर होगा 2500 बॉम्ब्स। पूछा गया है जो राफेल प्लेन्स है उनकी स्पीड क्या है? आंसर होगा 2130 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है साउंड की स्पीड से लगभग डबल है। पूछा गया है जो राफेल जेट प्लेन्स हैं उनकी नोज पे जो मल्टी डायरेक्शनल रडार लगाया गया है वो कितने टारगेट्स को एक साथ में डिटेक्ट कर सकता है? आंसर होगा मोर देन 40 टारगेट्स, और ये 100 किलोमीटर की रेंज में इन टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। पूछा गया है जो राफेल जेट प्लेन्स पे जो 1 टन का कैमरा लगा हुआ है उसका क्या स्पेशल फीचर है? आंसर होगा ये जो कैमरा है ये जो एक लैंड पर अगर धरती पर एक क्रिकेट बॉल है तो काफ़ी हाइट से उसका ये फोटो तक ले सकता है, ये इसकी खासियत है। पूछा गया है जो राफेल प्लेन्स हैं उनको कितने एरिया में, कितने कम एरिया में उनको लैंड किया जा सकता है? आंसर होगा जो 450 मीटर के एरिया में राफेल प्लेन्स को कहीं भी लैंड किया जा सकता है। जो राफेल जेट प्लेन्स है वो अपने वेट से कितने गुना, कितने टाइम्स वो वेट कैरी कर सकते हैं? आंसर होगा 1.5, जो 1.5 गुना है ये अपने वेट से ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं, और ये अकेले ऐसे जेट प्लेन्स हैं जो इतना वेट कैरी कर सकते हैं। पूछा गया है जो राफेल जेट प्लेन्स हैं वो कितने टाइम तक कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकते हैं? आंसर होगा मोर देन 10 आवर्स, 10 घंटे से ज़्यादा ये कंटिन्यूसली फ्लाई कर सकते हैं, और इस ड्यूरेशन के दौरान इनको 6 बार फ्यूल भरना पड़ेगा। पूछा गया है जो जेट प्लेन्स हैं ये राफेल जेट प्लेन्स, इनके इनर टैंक में कितना फ्यूल भरा जा सकता है? आंसर होगा अप टू 5 टन तक। पूछा गया जो आउटर टैंक है राफेल जेट प्लेन का उसमें कितना फ्यूल भरा जा सकता है? आंसर होगा 2000 लीटर। जो 3 टाइप्स हैं राफेल प्लेन्स के उनके नाम पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं? आंसर होगा फर्स्ट है ट्रेनर जो कि 2 सीटर होता है, सेकेंड है राफेल सी जो कि सिंगल सीटर होता है, और थर्ड है राफेल एम जो कि नेवी के प्लेन कैरियर शिप के लिए यूज होता है। पूछा गया है जो नए जो पायलट्स हैं जो इन राफेल प्लेन्स को उड़ाएंगे उनके लिए जो न्यू पैचेज बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए हैं? आंसर होगा 2 न्यू पैचेज, 2 नए पैचेज बनाए गए हैं जो कि एक को वो शोल्डर पर लगाएंगे और एक को चेस्ट पर। जो नए पैचेज बनाए गए हैं पायलट्स के लिए वो किन के द्वारा डिजाइन किए गए? आंसर होगा सौरव चौरडिया के द्वारा। नेक्स्ट पूछा गया है जो राफेल जेट प्लेन्स हैं वो अब तक कितने कंट्रीज के पास है? आंसर होगा 4 कंट्रीज के पास। पूछा गया है जो 4 कंट्रीज हैं जिनके पास ये अभी राफेल फाइटर जेट प्लेन्स हैं अब तक उनके नाम बताइए, तो आंसर होगा फर्स्ट है फ्रांस जिसके पास 108 प्लेन्स हैं, इजिप्ट 24 प्लेन्स हैं, कतर के पास 24 प्लेन्स हैं, और इंडिया
उसने अभी 36 का ऑर्डर दिया है फ्रांस को। पूछा गया जो 6 कंट्रीज हैं जो करंट में राफेल जेट प्लेन्स बाई कर रहे हैं फ्रांस से, उनके नाम बताइए। आंसरों का जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सऊदी अरब, ये 6 कंट्रीज भी अभी करंट में फ्रांस से राफेल जेट प्लेन्स खरीद रहे हैं। जो राफेल वर्ड है ये एक फ्रेंच भाषा का वर्ड है, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? आंसर होगा आंधी या फिर तूफान, ये हिंदी में हम राफेल को बोलते हैं। जो पहला फाइटर जेट प्लेन था अंबाला एयरबेस पर, उसको किन्होंने लैंड किया? आंसर होगा ये लैंड किया गया ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के द्वारा। पूछा गया जो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह हैं उनको 2008 में शौर्य चक्र मिला था, तो उनको किस काम के लिए मिला था ये? आंसर होगा उन्होंने जो मिग है, एक डिफेक्टेड मिग एयरक्राफ्ट था, उसकी उन्होंने सेफली लैंडिंग कराई थी, इसके लिए उनको 2008 में शौर्य चक्र दिया गया था। पूछा नेक्स्ट जो करंट प्रेसिडेंट है फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट कौन है? आंसर होगा इमैनुअल मैक्रन। देखिए फ्रांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है कैपिटल क्या है फ्रांस की? आंसर होगा पेरिस। नेक्स्ट है एक फेमस टावर है फ्रांस में, उसका नाम बताइए। आंसर होगा आईफिल टावर। पूछा गया है जो इंडिया के पहले कौन से डिफेंस मिनिस्टर हैं ऐसे जिन्होंने जो है राफेल फाइटर जेट प्लेन में उड़ान भरी? आंसर होगा राजनाथ सिंह, ये याद रखेंगे हम। पूछा गया जो इंडियन एयरफोर्स है उसका फाउंडेशन डे किस डेट को होता है? आंसर होगा 8 अक्टूबर को, और जो फाउंडेशन रखी गई इंडियन एयरफोर्स की वो 8 अक्टूबर 1932 को रखी गई थी। नेक्स्ट है जो करंट चीफ है इंडियन एयरफोर्स के वो कौन है? आंसर होगा एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स के पहले चीफ कौन थे? आंसर होगा एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। नेक्स्ट है जो डील है राफेल प्लेन्स को खरीदने की वो कौन से ईयर में साइन की गई? आंसर होगा सितंबर 2016 में। नेक्स्ट है जो पहला जो राफेल फाइटर जेट प्लेन है इंडिया ने उसका क्या नाम रखा है, इंडिया की तरफ से उसको क्या नाम दिया गया है? आंसर होगा RB-001, और यह जो नाम रखा गया वो करंट जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं राकेश सिंह भदौरिया, उनके नाम पर यह रखा गया है, तो याद रखेंगे RB-001। जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स है वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं? आंसर होगा डेसॉल्ट एविएशन, ये फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट है जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स है वो सबसे पहले उन्होंने किस डेट को उड़ान भरी, मतलब जब वो बनाए गए थे शुरू में तो उन्होंने किस डेट को उड़ान भरी? आंसर होगा 4 जुलाई 1986 को। पूछा गया जो टोटल 36 राफेल फाइटर जेट प्लेन्स का ऑर्डर दिया है इंडिया ने, उनमें से कितने सिंगल सीटर हैं और कितने ड्यूल सीटर? तो आंसर होगा जो 28 प्लेन्स है वो सिंगल सीटर है और 8 प्लेन्स ड्यूल सीटर है, ड्यूल सीटर को हम ट्रेनर प्लेन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स है उनकी लेंथ कितनी होती है? आंसर होगा 15.27 मीटर या फिर 50.1 फीट। नेक्स्ट है जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स है उनकी हाइट कितनी होती है? आंसर होगा 5.34 मीटर या फिर 17.5 फीट। नेक्स्ट है जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स होते हैं वो अपने जो विंग्स होती हैं उनके पंख होते हैं उनको कितनी लेंथ तक फैला सकते हैं? आंसर होगा 10.80 मीटर और 35.4 फीट। जो इंडिया ने फ्रांस से जो राफेल प्लेन्स मिले हैं उनमें कौन सा मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है? आंसर होगा स्कैल्प क्रूज मिसाइल सिस्टम। जो एक राफेल फाइटर जेट प्लेन्स है उसकी लगभग कॉस्ट कितनी है? आंसर होगा लगभग 673 करोड़। पूछा गया है जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स हैं उनमें कितने इंजन्स हैं? आंसर होगा 2 इंजन्स, 2 इंजन लगे होते हैं। इसमें पूछा गया जो राफेल प्लेन्स हैं उनमें जो 2 इंजन लगे होते हैं उनके नाम बताइए। आंसर होगा पहला है स्नेकमा M88 और सेकंड है टर्बोफैन। नेक्स्ट है जो
टोटल जो डील साइन की गई 36 प्लेन्स की इंडिया और फ्रांस के बीच, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? आंसर होगा 59,000 करोड़, 59,000 करोड़। पूछा गया है जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स का जो रजिस्ट्रेशन होगा उस पर किसका नाम लिखा जाएगा? आंसर होगा बीरेंद्र सिंह धनोआ, बीएस धनोआ, जो कि हमारे पूर्व में, जो बीएस धनोआ जी हैं वो पूर्व में हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं। नेक्स्ट है, जो करंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं फ्रांस के, उनका क्या नाम है? आंसर होगा फ्लोरेंस पार्लिये, करंट डिफेंस मिनिस्टर हैं फ्रांस के। नेक्स्ट है, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है फ्रांस के? आंसर होगा जीन कैसेक्स। नेक्स्ट है, जो हमारी रिसेंट में या फिर लास्ट टाइम जो भी करंट में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच, उसका क्या नाम है? आंसर होगा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। जो पेरिस है, जो कि फ्रांस की कैपिटल है, वो कौन सी रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है? आंसर होगा ऑन द बैंक्स ऑफ सीन रिवर, सीन रिवर के ये किनारे पे स्थित है। इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो कौन है? आंसर होगा विपिन रावत जी। नेक्स्ट है, जो फ्रांस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है करंट में? आंसर होगा फ्रेंकोइस लिकोइंट्रे। जो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन है उसको कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया? आंसर होगा इन अप्रैल 1938, और यह भी 82 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट है, जो अम्बाला एयरबेस है उसका इससे पहले क्या नाम था? आंसर होगा ये 1919 के आसपास इसका नाम कैंप अम्बाला या फिर कैंप ऑफ रॉयल एयरफोर्स था। जो राफेल है वो ऐसा कौन से नंबर का फाइटर जेट प्लेन है जो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पे स्टेशन किया गया, वहाँ पे लाया गया है? आंसर होगा 15th ए फाइटर जेट प्लेन। इससे पहले 14 जेट प्लेन्स, जो फाइटर जेट प्लेन्स होते हैं, वो अम्बाला में रखे जा चुके हैं, ये 15वां है अभी। जो कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह है वो कौन से सिटी से हैं? आंसर होगा वो जलंधर पंजाब से हैं, और वो पहले जो MiG-21 है उसके भी पायलट रह चुके हैं। जो विंग कमांडर मनीष सिंह है, देखिए ये सभी जो हैं जो 6 पायलट्स हैं उनके नाम हैं, उनसे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जो मनीष सिंह है विंग कमांडर, वो किस सिटी से है? आंसर होगा वो है बलिया, उत्तर प्रदेश से, और उनको जो है वो 2002 में एयरफोर्स के पायलट बने थे। जो विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी हैं वो कौन से सिटी से हैं? आंसर होगा वो हैं जालौर, राजस्थान से, और प्रेजेंटली जो उनकी पोस्टिंग है वो अम्बाला में है एज ए विंग कमांडर। जो ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया जी हैं वो कौन से सिटी से हैं? आंसर होगा वो गुरुग्राम, हरियाणा से हैं। जो स्क्वाड्रॉन लीडर हैं दीपक चौहान जी, वो कौन से सिटी से हैं? आंसर होगा वो हैं मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से, और इनको जो NDA का एग्ज़ाम है उसमें पहली रैंक मिली थी, इन्होंने पहली रैंक वहाँ पे प्राप्त की थी। जो एयर कमोडोर हिलाल अहमद है वो कौन से सिटी से है? आंसर होगा फ्रॉम अनंतनाग कश्मीर से हैं वो, और वो इंडिया के फ्रांस में करंट में जो एयर अटैची भी हैं। पूछा गया है जो नया जेट प्लेन आया है जो इंडियन फोर्स में ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है, वो कितने सालों बाद आया है? आंसर होगा आफ्टर 23 ईयर्स। देखिए 23 साल बाद आया है ये, 23 साल पहले जो इंडियन एयरफोर्स में जो जेट प्लेन ऐड किया गया था वो सुखोई जेट प्लेन था। पूछा गया है जो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन है उसके 17th स्क्वाड्रॉन, जिसका नाम गोल्डन एरो है, उसको में जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स ऐड किए गए हैं तो वो टोटल कितने जेट प्लेन्स आएंगे अभी? तो आंसर होगा टोटल इसमें आएंगे 18 राफेल फाइटर जेट प्लेन्स, जिनमें से 5 अभी आ चुके हैं और 13 और आएंगे। और जो टोटल 18 प्लेन्स हैं उनमें से 15 होंगे सिंगल सीटर, और जो 3 होंगे वो होंगे ड्यूल सीटर, जिनको हम ट्रेनर प्लेन्स भी बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारे जो राफेल फाइटर जेट प्लेन्स हैं और हमारे जो ब्रेव पायलट्स हैं, या फिर इससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए, और ये आने वाले हर एक एग्जाम में, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आने ही आने हैं वहाँ पर, ये यानी वहाँ पर ये करंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए और
आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आपको ये काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी वीडियो, और ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।